मध्य प्रदेश में घुसखोरी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं घुसखोरों को पकड़ने में भी लोकायुक्त विभाग ने कमर कस ली है। ऐसा ही एक मामला भोपाल से आ रहा है, जहां भोपाल लोकायुक्त दल ने 25,000 की घूस लेती पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री कमल सिंह कौशिक को धर दबोचा। भोपाल लोकायुक्त विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि आवेदक महेंद्र पांडे निवासी भोपाल लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत कर बताया कि खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में बाउंड्री वॉल एवं अप्रोच रोड बनाने का काम किया था, किंतु कार्यपालन यंत्री के द्वारा किए गए काम के पेंडिंग बिल एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि लगभग 67 लाख रुपए के लिए 1% के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत पर से लोकायुक्त भोपाल के द्वारा शिकायत का सत्यापन करते हुए पीडब्ल्यूडी भोपाल के कार्यपालन यंत्री को रिश्वत लेते पकड़ा गया और कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त दल के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 की धारा में कार्रवाई की जा रही। भोपाल लोकायुक्त दल में DSP सलिल शर्मा, निरीक्षक आशीष भारद्वाज, मयूरी गौर, प्रधान आरक्षक रामदास, मनोज माझी, राजेंद्र पवन मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए भोपाल से महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।